निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज यांच्या असीम कृपा आशीर्वादानं रविवार दिनांक 3 जानेवारी 2021 रोजी संत निरंकारी मिशन अंतर्गत संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन पुणे झोन वारजे कोथरूड ब्रांचच्या वतीनं सकाळी 9 ते 5 या वेळेत भव्य रक्तदान शिबिर संपन्न झालं। यामध्ये ससून रुग्णालय रक्तपेढी यांनी 228 युनिट रक्त संकलन केलं। शिबिरात प्रशासन डॉक्टरांनी दिलेल्या सुरक्षिततेच्या नियमांचं पालन करण्यात आलं, तसेच सोशल डिस्टन्सिंगकडेही विशेष लक्ष देण्यात आलं। शिबिराचं उद्घाटन ताराचंद करमचंदानीजी पुणे झोन प्रभारी संत निरंकारी मंडळ पुणे यांच्या शुभहस्ते संपन्न झालं। या शिबिरादरम्यान संत निरंकारी मिशनचे इतर मान्यवर आवर्जून उपस्थित होते। 1980 साली मिशनचे तिसरे गुरु सद्गुरु बाबा गुरुबचन सिंहजी महाराज यांनी सत्य, प्रेम, शांती, मानवता, एकता प्रस्थापित करण्यासाठी संघर्ष करताना आपल्या प्राणांची आहुती दिली होती, तेव्हा अनेकांनी त्यांच्या बलिदानाचा बदला घेण्याची इच्छा प्रकट केली। अशा कठीण प्रसंगी बाबा हरदेव सिंहजी महाराज यांनी सर्व अनुयायांना दया, क्षमा, शांती आणि अहिंसेचा मार्ग दाखवून उपदेश केला की बलिदानाचा बदला घ्यायचा असेल तर माणसाचं रक्त नाल्यांमध्ये नाही तर नाड्यांमध्ये वाहिलं पाहिजे। त्यानंतर 1986 पासून संपूर्ण विश्वामध्ये रक्तदान शिबिराचं आयोजन करून बाबा गुरुबचन सिंहजी आणि शहीद संतांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। कोथरूड शाखेचे प्रमुख वरघडीजी आणि वारजे शाखेचे प्रमुख विजय कदमजी यांनी सर्व रक्तदात्यांचे उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले। हे शिबिर यशस्वीरित्या पार करण्यासाठी मिशनच्या सर्व अनुयायांचं योगदान लाभलंय। आज वारजे और कोथरू दोनों ब्रांचों की ओर से रक्तदान हो रहा है। संत निरंकारी मिशन की ओर से ये रक्तदान, SNCF की ओर से ये रक्तदान हो रहा है और करीब करीब आज 21वां रक्तदान पुणे जोन में हो रहा है। 1 अप्रैल से लेकर और आज 3 जनवरी तक 21 रक्तदान संपन्न हुए हैं। सदगुरु सुदीक्षा माता जी की असीम कृपा है कि लॉकडाउन के समय पर भी ये रक्तदान महापुरुष कर रहे हैं। संत निरंकारी मिशन की ओर से ये रक्तदान चल रहे हैं और ये रक्तदान सिर्फ वहीं दिया जा रहा है सरकारी अस्पतालों में, जैसे कि ससून हो गई, कमांडो हॉस्पिटल हो गए, YCM हॉस्पिटल हो गए और आउंद रक्तदान पेड़ी हो गए। ये चारों गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जिनको रक्तदान मुफ्त में दिया जा रहा है और वो जो आगे भी मुफ्त में देते हैं तो जो गरजमंद लोग रहते हैं उन्हीं को ही दिया जाता है और हॉस्पिटलों के डिमांड के अनुसार ही ये रक्तदान हो रहा है संत निरंकारी मिशन की ओर से। और सभी संयोजक महात्मा, मुखी महात्मा, कमेटी मेंबर्स, सेवा दल के अधिकारी, SNCF के वॉलंटियर्स सब मिलजुल कर ये कार्य कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से, 8-10 दिनों से इस रक्तदान की तैयारी चल रही है वारजे ब्रांच और कोथरूड ब्रांच में और सुंदर रूप से सबका उत्साह देख रहे हैं। सुंदर रूप से यह रक्तदान हो रहा है। सदगुरु माता जी के चरणों में सबके लिए यही प्रार्थना कि ऐसा जो भी रक्तदाते रक्त दे रहे हैं, जे पण रक्त देता है त्यांना आशीर्वाद द्या, त्यांच्या त्यांना नेहमी तंदुरुस्त ठेवा आणि सर्व मिळून हे कार्य करत आहे। सर्व महात्मांना आशीर्वाद द्या। असंच कार्य संत निरंकारी मिशनचं नेहमी करत आहे आणि पुढं पण करत राहणार। हीच आशीर्वाद द्या सद्गुरु सुदीक्षा माताजी। दया करा, कृपा करा, सर्वांना सर्व सुख द्या। हीच तुमची चरणी अरदास प्रार्थना आहे। सत्संगजी प्यार से कहना धन निरंकार जी। न्यूज रिपोर्टर रामकृष्ण भागवत, आज 24 तास, पुणे। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।